हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 3D प्रिंट में आपको नेम लिख के दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे एम से लिया है, आप चाहे तो अभी क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे दोनों में, जो इसमें गीला पोर्शन होता है एक सूखा होता है, उन्हें मिक्स कर लिया है। और उससे मैंने ये थोड़ा सा मोटा ये इससे बनाया था, ये लाइनिंग बनाई थी जिसे मैं ऐसे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी बनाना होता है उसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। मैंने इसे लिख के इसके ऊपर इसे पेस्ट किया है। फिंगर से मैं इसे दबा रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे, नेट बन जाए। और ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हाउस बनाया, क्योंकि मैंने होम लिखा है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाना चाह रही थी। थोड़ी सी ये पेंसिल बच गई थी तो उससे मैंने यहाँ पे ये 2-3 लीफ बना दिए हैं। साइड में लीफ बनाए हैं और ऊपर कॉर्नर पे लीफ बना दिए। मैं इसे कलर स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं पूरे इस पर वाइट कलर करूँगी, क्योंकि ब्राउन के ऊपर हम डायरेक्ट कलर करेंगे तो ये कार्डबोर्ड पे ठीक से पेंट नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसे वुडन लुक देखना चाह रही थी इसलिए मैंने इस पर ब्राउन किया है। आप चाहें तो जो आपको कलर पसंद हो आप अपने पसंद के कलर कर सकते हो, और इस तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ये 3D पे मैंने लिखा हुआ है। इसे मैं ऐसे पूरे पे पेंट कर लूँगी। इसके बाद में ये मैंने ब्लैक थोड़ा सा मिक्स किया है जिससे कि ये थोड़ा सा नीचे से डार्क लुक दे। ऊपर मैं इतना डार्क नहीं करूँगी, बट ये नीचे मैंने डार्क किया है। आप चाहें तो होम की जगह कुछ भी नेम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज बस ये होम ही लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में मे बी मैं कोई नेम या फिर कुछ और लिखूं। अब ये मैंने होम को जो लिखा हुआ है, इस वर्ड को मैं पूरा लाइट ग्रीन से कर रही हूँ। मैंने ये कैमल के यूज़ किए थे एक्रिलिक कलर, इसमें मैंने वाइट कलर मिक्स किया है क्योंकि ग्रीन ज़्यादा डार्क था। आप देख सकते हो मैंने साइड में टेस्ट भी किया था। इस तरीके से मैं पूरे ये होम पे कलर कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके बाकी लीव्स पे मैंने डार्क कलर करने का सोचा है, क्योंकि ये होम मैंने लाइट ग्रीन से लिख लिया है तो इससे ज़्यादा लाइट लीव्स बनेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। ये मैंने पूरा कलर कर लिया है। अब मैं ये लाइट नहीं डार्क ग्रीन किया है। इस ग्रीन को बनाने के लिए मैंने ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है, इसे थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया है। हाउस को मैंने वैसे ही जो यूजुअली हम लोग कलर यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, रेड और येलो किया है। रेड कलर से ऊपर इसकी हट करी है और येलो कलर से बेस करा है, और ब्राउन कलर से मैंने इसके गेट बनाए हैं, गेट और विंडो। ये 3D ये पेंटिंग करने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, तो इस पर मैंने थोड़े से सोचे फ्लावर्स बनाने के सोचे हैं, जो कि पिंक और वाइट कलर से मैं बनाऊँगी। जगह जगह पे थोड़े से बनाऊँगी, पूरे पे नहीं बनाना है। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरीके से जो आपको पसंद हो।
इस तरीके के मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर पूरे में बनाया है। ये बनके कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए।